एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं एंजल नंबर 545 के बारे में। इसमें देखेंगे हम एंजल नंबर 545 का मीनिंग क्या होता है, इसका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, इसका सिंबॉलिज्म क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंजल नंबर 545 का अर्थ है आपके एंजल्स आपके साथ कई तरह से संवाद करेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे जब उसके पास आपके लिए कुछ कहने के लिए होगा। स्वर्गदूतों के संवाद करने के सबसे प्रचलित तरीकों में से एक है एंजल नंबर्स के उपयोग के माध्यम से वो बात करते हैं। अब अगर आप बार बार एंजल नंबर 545 देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि इसका अर्थ क्या है। 545 अंक एक दिव्य शक्तियां है जिन्होंने अपना समर्थन और प्रोत्साहन आपको दे रही है। आप जिन चेंजेस पर विचार कर रहे हैं या वर्तमान में जिस किसी चीज में आप चेंज करना चाहते हैं उन पर आप भरोसा कर सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं, यही एंजल नंबर आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ये एंजल नंबर साहस, जुनून और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। एंजल नंबर 545 के अर्थ को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें। मैं सभी प्रासंगिक जानकारी को शामिल करने की इसमें कोशिश करूंगी। आप समझ जाओगे कि आपके गार्डियन एंजल्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखते हैं इसके मीनिंग और स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस। अगर आप हर समय 545 नंबर देखते रहते हैं तो आपको ब्रह्मांड के संदेश पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये एंजल नंबर आपको सबसे 5 मुख्य संदेश देता है। पहला संदेश ये है कि आपको ये बदलने का समय है। यदि आप उसी पुरानी दिनचर्या से थक चुके हैं और अपने जीवन में कुछ नया चाहते हैं तो एंजल नंबर 545 का अर्थ वही हो सकता है जो आपको चाहिए। संख्या 545 एक सकारात्मक शगुन प्रतीत होता है। जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारी परिवर्तन इस एंजल नंबर द्वारा दर्शाए जाते हैं। शुरुआत में कुछ बदलाव मुश्किल होंगे। इन बदलावों से आपका आध्यात्मिक अनुभव जुड़ जाएगा और वो अमूल्यवान रहेगा। ठीक है, तो अगला संदेश है दूसरा संदेश। अपने भविष्य के लिए एक योजना बनाए। जब तक आपके मन में कोई दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है, साहसिक और सहज होना एक अद्भुत बात है। संख्या 545 ब्रह्मांड का एक संदेश है कि यह आपके भविष्य की योजना बनाने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द शुरुआत करें। हर किसी के अपने जीवन के लिए आकांक्षाएं और उद्देश्य होते हैं। डर उनमें से कुछ चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोकता है। अब इंतजार खत्म हो जाएगा क्योंकि आपको एंजल नंबर 545 दिख रहा है। वो आपको बता रहा है आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप तैयार हो आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी योजनाओं के ऊपर अमल करने के लिए। तीसरा संदेश है खुद को आराम करने दे। क्या आप अपनी दिनचर्या से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? पिछले कुछ वर्षों में आप सब कुछ उसी तरह से कर रहे हैं। अपने दिनचर्या से बाहर निकली, ब्रह्मांड आपको ये बता रहा है। अपने क्षितिज को विस्तृत करें और जगह पर स्थिर रहने की बजाय ऊंची उड़ान भरे। नई चीजें आजमाए, जैसे ट्रैकिंग, नई भाषाएं सीखना या अपनी नौकरी को छोड़ के कोई नई नौकरी आजमाना। अपने आप को सहज, मजेदार और बेहिचक होने दे। अगला मतलब चौथा संदेश है खुद की क्षमताओं पर भरोसा करें। सफल होने के लिए आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। खुद की क्षमता और दूसरों की क्षमता पर संदेह करके किसी भी जीवन में सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। जब भी आप एंजल नंबर 545 देखते हैं तो ब्रह्मांड आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की सलाह दे रहा है। अगर आपको परमात्मा पर भरोसा है तो आपको खुद पर भी विश्वास होना चाहिए। अपनी शंकाओं और आशंकाओं को जाने दो।
पांचवा है, आप 545 नंबर क्यों देख रहे हैं। यदि आप नंबर 545 देखते हैं तो यह शायद एक संयोग नहीं है और एक चेतावनी के रूप में आपको काम करना चाहिए। आप किसी ऐसी चीज के कारण पूरी तरह से संतुष्ट और आनंदित महसूस करने में असमर्थ है जो आपको ऐसा करने से रोक रही है। आप कौन है और आप क्या है, इसके लिए कुछ बुनियादी समस्या की जड़ में है। शायद यह आपको मूल मूल्यों को फिर से जांच करने का अनुरोध कर रहा है। आपके बेसिक जीवन के प्रिंसिपल्स आपको फिर से टटोलने होंगे। आपके कुछ विचार अप्रासंगिक नहीं हो सकते। यदि आप कई कारणों से 545 देख रहे हैं तो कुछ आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। यह जानने का प्रयास करें कि मौलिक रूप से क्या किया जाना चाहिए। ये आसान नहीं है, लेकिन आप सब इसके लायक हो। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय गाइज़।